सर्द से परेशान, कंबल दुदु कंबल के फिर से अंदर, जुकाम फिर एकदम। से जुकाम, चाय साथ में गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट। हाँ चाय, दोनों की गले में दर्द। ब्लैक टी। मसालेदार ब्लैक टी। मेरा बना दिए, इनका भी देख लीजिए। अरे बहुत ठंड है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, बिस्तर पर से ही गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और ठंड बहुत है। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमा, शोक निवारण भूतदायक असुर निकंदन कनुमा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। और आ गई हूँ आप लोग के सामने दो लाइन लेकर के कि राम राम सो ही जानिए, रमता सकल जहान, और घट घट में जो रम रहा सो ही राम पहचान। तो आप सब समझ ही गए होंगे, आज मेरे भगवान का दिन है, रामचंद्र जी का। तो सभी लोग खूब हर्षोल्लास के साथ उनका मनाइए, दीप जलाइए और खुशियां मनाइए। तो चलिए आगे मिलते हैं। दो तीन लाइन का भजन है, वो आप लोग के सामने आज के दिन कर रही हूँ प्रस्तुत। सुनिएगा कि काल कपहिया घूमे भैया, काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले लेके चले बरात, कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। जनक की बेटी अवध की रानी, जनक की बेटी अवध की रानी, सीता भटके वन वन में, राह अकेली रात अंधेरी, राह अकेली रात अंधेरी। मगर रतन है दामन में, साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, राम कृष्ण श्री राम कृष्ण। तो बस इतना ही, दो लाइन आप लोगों को सुनाई हूँ। कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बस ऐसे ही गा दी हूँ, मन में आ रहा था आज के दिन भगवान राम पधार रहे हैं तो उनकी खुशी में थोड़ा सा भजन सुबह के समय। तो आप सभी को भी प्रणाम है मेरा, और मेरे भगवान को तो सत सत नमन। आ गई हूँ किचन में। नाश्ता रेडी कर लिया। ठंड जबरदस्त है बहुत। आज छोला मटर नहीं बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ।
पोहा बन रहा है। पोहा पोहा में तो प्याज वाज सब डाल के बनाते हैं, चूड़ा मटर में तो गरम मसाला धनिया से सेक बनाते हैं। का तो नहीं जल रहा था और क्या। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भूख भी लग रही है बहुत कष्ट हो। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और मेरा नाश्ता आज है पोहा। चूड़ा मटर नहीं बनाई हूँ, पोहा बनाई हूँ। कभी कभी पोहा भी खाना चाहिए ना, तो इसमें सभी सब्जी डाल करके जो बनता है वही बनाई हूँ। और ये रही हमारी गरम गरम चाय, और इनसे मिलिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। आज श्री राम जी पधार रहे हैं, आप सबको बधाई, जय श्री राम। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को खिलाती, इतना तेज भूख लगा कि बताइए हम भूल ही जा रहे थे आप लोग को। तो आज हम तो बहुत भूख लग गई है क्योंकि काफ़ी देर हो गया, 11:30 पहुँच गया है। तो आप लोग भी खाइए और स्वाद लीजिए पोहा का सभी लोग। मैं खाती हूँ, गाजर का हलवा भी अभी बचा हुआ था, आज लास्ट है, फिर बनेगा दोबारा। तो दोस्तों, आप सब लोग आज के दिन क्या क्या कर रहे हैं भगवान राम के आगमन की खुशी में? कैसे सभी लोग अपना अपना घर सजा रहे हैं जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा। दिया मोमबत्ती और इस तरह जलाना ही है अच्छे से, थोड़ा सा फूल माला, जिसकी जो भी हैसियत है उसी हिसाब से अपने भगवान का स्वागत करेगा। तो चलिए, आज के दिन, आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, हम सभी हिंदुओं के लिए। तो जय श्री राम। और
लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, आज तो भर भर के कीजिएगा, जरूर से कीजिएगा, कम से कम आज के दिन मेरा तो सुन लीजिएगा, भगवान के नाम पर ही सुन लीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर भी क्लिक कर ले तो पूरा मेरा जितना वीडियोस है आपके पास आराम से पहुंचता रहेगा। तो ठीक है ना दोस्तों आज के दिन, और मेरा वीडियो, हाँ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरा वीडियो जब भी देखें पूरा देखिएगा, उसको आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कभी कभी बड़ा भी चला जाता है तो थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, और ज़्यादातर तो छोटा ही रहता है, तो कभी बहुत सारे बातें रहती हैं तो बड़ा भी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अगर बड़ा नहीं भी लगता हो अच्छा तब भी प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज का अभी बाय बाय, लव यू।